औपचारिकता में मैं नहीं जा रहा, इसलिए माफी चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस क्रांतिकारी धरती पर आने का मौका दिया है। एक बहन जब बात कर रही थी तो उन्होंने बताया कि ये उड़ीसा का जालियांवाला बाग है, यहां पर 19 लोगों की शहादत हुई है। शहीदों की इस भूमि को, लक्ष्मण नायक की इस धरती को मैं नमन करता हूं, इसको नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज मैं जब यहां आया हूं तो सिर्फ दो वजहों से आया हूं। पहली वजह यह है, उड़ीसा कांग्रेस का 100 साल पूरा हो रहा है और इस 100 साल पूरा होने के मौके पर इस संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। और दूसरी वजह यह है कि आप सब जानते हैं, कालाहांडी, लगभग पूरे उड़ीसा में एक आंदोलन चल रहा है कि महिलाओं को सुरक्षा देना पड़ेगा। एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया, फिर काट करके उसकी हत्या की गई और सब लोग ये जानते हैं, बस कुछ लोग बोलने से घबराते हैं। मैं मीडिया के अपने साथियों से कहूंगा, घबराइए नहीं दोस्त, ये न्याय का सवाल है। आवाज उठाइए, सरकार से पूछिए कि क्यों मंत्री को बचाया जा रहा है, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। मैं बिहार से आता हूं और आप सब जानते हैं, एक जमाना था कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा सब बंगाल का पार्ट हुआ करता था। इस लिहाज से, इस धरती से हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है। और जब हम इतिहास की बात करते हैं तो आज 27 दिसंबर आज वो दिन है जब कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार हमारा राष्ट्र